डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मध्य प्रदेश से राजकुमार जी ने। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं राजकुमार जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रहता हूं। मुझे कई सालों से अच्छा काम नहीं मिल रहा था और मैं अलग अलग ढाबों पर काम कर रहा था। यहाँ पर ढाबे पर काम करने वाले को ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, इसीलिए मुझे घर चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसके बाद मैंने मन लगाकर काम ढूंढना शुरू कर दिया और एक अच्छा काम मुझे मिल ही गया। यहाँ पर सरकारी बस में मुझे कंडक्टर की नौकरी मिल ही गई थी। मैं नया नया ज्वाइन हो चुका था, लेकिन यहाँ पर तनख्वाह काफ़ी अच्छी मिल रही थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं लगभग 3 महीने तक दिन के वक्त कंडक्टर की नौकरी करता रहा और छतरपुर से आसपास के सब गांव में जाने वाली बसों में मैं ऑलमोस्ट होता ही था। यहाँ पर मेरी नौकरी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन मेरी रात की बसों पर भी ड्यूटी लगना शुरू हो गई। 3 महीने काम करने के बाद मुझे रात की ड्यूटी करनी पड़ी। रात की ड्यूटी करना कितना मुश्किल होता है मुझे अब समझ में आना शुरू हो गया था। ये घटना उसके 7 महीने बाद की है। वक्त रात के 11 बजे का था और ये आखिरी बस थी। ये बस छतरपुर से लगभग 11 बजे निकली थी और अगली सुबह लगभग 4 बजे आगे पहुंचनी थी। यहाँ पर मुझे खास पता नहीं था कि रात को कितनी सवारियाँ चढ़ती हैं और कितनी नहीं, लेकिन मैं जितनी भी सवारियाँ चढ़ रही थी उनकी टिकट काटता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे कहाँ पर कौन कौन उतरने वाला है, क्योंकि वैसे एक रूट पर अगर आप ज़्यादातर जाने लगते हो तो आपको पहचानने वाले कई लोग मिल ही जाते हैं। रात के वक्त ऐसा नहीं होता। मैं बस में बैठे जितने भी लोग थे उन सब की टिकट काट चुका था और मैं आगे आकर बैठ चुका था। अब हमें कोई भी सवारी मिल नहीं रही थी और बस में जितने भी लोग बैठे थे वो सब उतर ही चुके थे। मैंने आखिरी सवारी को भी उतरते हुए देखा और उसके बाद मैं फ्री होकर बैठ गया। मैं जान गया था कि बस बिल्कुल खाली है और अपनी मंजिल पर पहुँच कर ही अब ये बस रुकने वाली है। लेकिन मैंने देखा ड्राइवर ने एक जगह पर बस को रोक दिया। मैं ड्राइवर से ज़्यादा सवाल नहीं करता क्योंकि वो एक खड़ूस आदमी था और वो मुझे डांटता ही रहता। मैं नया हूँ, धीरे धीरे काम सीख ही लूँगा, लेकिन वो चाहता है कि मैं एक ही दिन में सब काम सीख लूँ। लेकिन उसने यहाँ पर बस क्यों रोकी? ना ही नीचे कोई बैठा हुआ था और बस तो खाली ही थी। बस पर चढ़ने वाला कोई नहीं, बस से उतरने वाला कोई नहीं, तो बस को क्यों रोका गया है? यहाँ पर बस रुकी थी, मैं नीचे देखता रह गया और पीछे से चलने की आवाज़ आई। कोई बस से उतर रहा था। मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा और मैं एकदम से घबरा गया। मैं डर गया था कहीं कोई सवारी बिना टिकट लिए उतर तो नहीं रही, और मैं भागकर उस औरत के पास पहुंच गया। ये 30 से 40 साल की उम्र वाली एक औरत होगी जो पीछे वाली सीढ़ियों से बस से उतर रही थी। मैं सीधा भागकर उसके पास पहुँच गया क्योंकि मैं ड्राइवर से डांट नहीं खाना चाहता था। अगर उसे ये पता चल जाता कि पीछे बैठी एक सवारी की टिकट मैंने नहीं काटी है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला था। मैं भागकर उसके पास पहुंचा और मैं सीधा उससे पूछने लगा, मैडम आपने टिकट नहीं ली? मुझे बताया भी नहीं, मैं पीछे देखता रहा, मुझे तो आप दिखी नहीं थी। इसके बाद वो औरत सीढ़ियों पर ही रुक गई। वो ना तो नीचे उतर रही थी ना ही पीछे मुड़कर मुझे जवाब दे रही थी। मैंने 2-3 बार उससे पूछा, मैडम टिकट कहाँ है आपकी? मुझे नहीं लगता आपने टिकट ली है, जल्दी करो, बस को जाने में काफ़ी समय लगेगा, अगर आप उतरेंगी नहीं तो समय बर्बाद होगा। लेकिन वो औरत वहीं की वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि ड्राइवर भी गाड़ी को नहीं चला रहा था और मुझे लग रहा था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटने वाला है।
मैं धीरे सी आवाज से उस औरत से बात कर रहा था और मैं बार बार उससे टिकट मांगता जा रहा था। अगर उसके पास टिकट नहीं है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मैं उससे पैसे मांग रहा था लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब मुझे भी गुस्सा आ गया था और मैंने ऊंची आवाज़ में उससे कह ही दिया, मैडम जल्दी करो, पैसे दो वरना हम कंप्लेंट कर देंगे और आपको उतरने नहीं देंगे। लेकिन मेरे गुस्से की आवाज़ को सुनकर ड्राइवर भी भाग कर पीछे आ गया। वो मेरे पास आकर बोला, जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो। मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों घबरा चुका था, लेकिन उसकी घबराहट वाली आवाज काफी अजीब थी। वो भागकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जल्दी से बस को चलाने लगा। उसने बस बड़ी ही तेजी से चलाई और मैंने उस औरत को उतरते हुए नहीं देखा। वो जैसे सीढ़ियों पर खड़ी खड़ी गायब हो गई। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होना शुरू हो गई, जैसे मैंने किसी भूत को देख लिया हो। उसके बाद ड्राइवर ने बस बिल्कुल नहीं रोकी और मेरे किसी सवाल का जवाब तक नहीं दिया। मैं उसके पास बैठा रहा और वो बार बार मुझे घूरता रहा, लेकिन मेरे किसी सवाल का जवाब उसने नहीं दिया। जब बस बस स्टैंड पर पहुंच गई और उसने बस को एक जगह पर लगा लिया, उसके बाद वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटने लगा। उसने मुझसे कहा, तुझे पता नहीं है, आवाज़ नहीं लगानी थी, तू पागल है, खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा, पहले कुछ सीख के आ। उसकी ये कहने के बाद मैं भी घबरा चुका था और मैं उससे सवाल पूछ रहा था, आखिर वहां पर हुआ क्या, उस औरत से मैंने टिकट ही तो मांगी है। वो फिर भी गुस्सा होता जा रहा था और वो गुस्से में ही वहां से चला गया। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि मैंने गलती की क्या है। अगर मैं किसी से पैसे मांग लूं तो इसमें मेरी क्या गलती है, जो भी बस में चढ़ेगा उससे पैसे तो लेने ही होंगे, आखिर उसे परेशानी क्या है। लेकिन इसके बाद मैंने और ड्राइवर से इस घटना के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो मुझे बहुत ज़्यादा डरा गया। उन्होंने कहा कि उस बस स्टॉप पर हमेशा बस को रोका जाता है, वहाँ पर ना कोई सवारी चढ़ती है और ना ही उतरती है। कहते हैं कि वहाँ पर किसी समय शमशान घाट हुआ करता था और वहाँ पर जो भी बस गुजरती उसका कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही जाता। कहते हैं एक औरत बस में होती है और वो वहीं पर उतरती है, अगर बस को वहां पर ना रोका जाए तो कोई ना कोई अपशगुन हो ही जाता है और ज्यादातर बस में बैठी सवारियां किसी न किसी तरह दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। शायद तुमने उसी औरत को देखा होगा, लेकिन कोई भी उससे पैसे नहीं मांगता, ना ही उससे बात करने की किसी की हिम्मत होती है। तुम्हें वो दिख गई लेकिन तुम्हें वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था। उस बस स्टॉप पर कभी कोई सवाल नहीं पूछता, वो भूतों की दुनिया है जहां पर इंसानों का सवाल पूछना वजूद में नहीं आता। मैं आज भी उस घटना को याद करके बहुत ज्यादा डर जाता हूं। मेरी ड्यूटी दोबारा कंडक्टर की उसी रूट पर लग चुकी है और रात को भी मैं उसी रूट पर जा चुका हूं। मेरे सामने बस हमेशा वहां रुकती है, लेकिन अब दोबारा वो औरत मुझे कभी नजर नहीं आती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं हरियाणा में एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ और कहने को तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इस साल मेरी कमाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। ये बात 2015 की है, तब मेरे मम्मी पापा जर्मनी से भारत आए हुए थे। मुझे उनको दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर घर तक लेकर आना था। उनकी फ्लाइट भी रात के 10 बजे की थी, तो मैं उन्हें 10 बजे पिक करता और सीधा घर को निकल आता। मैं लगभग 9:30 बजे ही एयरपोर्ट पर पहुंच गया था और मैंने मम्मी पापा को गले लगाया और उनको गाड़ी में बिठा लिया। उसके बाद मैं सीधा अपने घर की तरफ चल पड़ा। मुझे पता था इसमें 6 से 8 घंटे का समय लगने वाला था और रास्ते में पापा भी कह रहे थे कि उन्हें भूख लगी है। मैं उन्हें कह रहा था कि किसी अच्छे से ढाबे पर खाना खाते हैं, लेकिन पापा को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। रात के 12 बजे का समय था और रास्ता काफ़ी सुनसान था।
पापा बार बार कह रहे थे कि किसी नए ढाबे पर रुकेंगे और वहां का खाना टेस्ट करेंगे। वैसे भी वो भारत 3 साल बाद आ रहे थे और वो भारत का खाना ज्यादा पसंद किया करते थे। बाहर उन्हें वैसा खाना नहीं मिलता, इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि कोई भी ढाबा मिल जाए मैं वहां पर खाना चाहूंगा और इस बार किसी नए ढाबे पर खाना खाऊंगा, क्योंकि जो भी मिलेगा मुझे वो पसंद आएगा ही। पापा को चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं सोच रहा था किसी ऐसे ढाबे पर रुकूं जहां पर चिकन मिल जाए, और रात के इस वक्त चिकन मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी मेरी नजर एक ढाबे पर पड़ी। मैंने देखा बाहर ढाबे पर कई सारे टिक्के टांगे गए थे, ये चिकन टिक्के थे। मुझे देखते ही समझ में आ गया और मैंने गाड़ी एक साइड पर लगा ली। वहां पर ज्यादा लाइट नहीं थी और वो ढाबा भी बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। जब हम उस ढाबे के अंदर गए तो अंदर भी कुर्सियां बहुत ज्यादा पुरानी थी और वहां पर ज्यादातर चारपाई लगाई गई थी। पापा को ये काफी ज्यादा पसंद आ रहा था और वो कहते जा रहे थे कि इन्होंने पुरानी लुक दी हुई है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, यानी कि बल्ब बहुत ज्यादा कम थे। लेकिन फिर भी हम अंदर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कोई आकर हमसे ऑर्डर ले। हमने देखा कि 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन कोई भी उस ढाबे के अंदर नहीं आया, जबकि बाहर वो भट्टी में टिक्के बना रहे थे। वहां पर कई लोग उसके पास ही खड़े थे, शायद वो खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी मेरे पापा ने कहा कि लगता है यहां पर कोई ऑर्डर नहीं लेता, हमें बाहर जाकर ही खाना लेकर आना पड़ेगा। वहां पर पानी जरूर रखा था, लेकिन हमें खाना बाहर से ही लाना पड़ेगा। यही सोचकर मैं बाहर की तरफ चल पड़ा और मैं उधर जा रहा था जहां पर टिक्के टांगे गए थे। वहां पर एक आदमी तंदूर से टिक्के बार बार बाहर निकाल रहा था। मैं उसी तरफ चलकर धीरे धीरे जा रहा था। वहां पर काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी जो मेरी तरफ पीठ करके खड़े थे, क्योंकि वो भट्टी की तरफ देख रहे थे। मैंने 2-3 लोगों को पीछे हटाया। उसके बाद मैं उस आदमी से बात करने लगा। वो काफी बुजुर्ग आदमी लग रहा था और वो मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर साइड में पड़ी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। वहां पर चिकन पीस नहीं टांगे गए थे, बल्कि इंसानी शरीर के हिस्से टांगे गए थे। मैंने वहां पर एक हाथ को देखा, वहां पर एक आंख भी रखी गई थी। इसी के साथ शरीर और अंतड़ियों के कई हिस्से पड़े थे। मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका था और भागकर मैं सीधा अंदर आ गया। मैं पापा से कह रहा था कि बाहर कुछ गड़बड़ लगती है, ये ढाबा बहुत ही अजीब सा लगता है, मुझे लगता है यहाँ पर इंसानों को काट कर टांगा गया है। ये बात मैंने पापा को बताई तो मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई, जबकि पापा हंसने लगे। पापा कह रहे थे लगता है बाहर उन्होंने कोई डेकोरेशन की होगी, तुम बेवजह डर कर भाग कर आ गए। इसके बाद पापा मुझे लेकर खुद आगे को चले गए। मैं बाहर ही खड़ा था, लेकिन पापा जानबूझकर उसके पास जाना चाहते थे। पापा जैसे ही आगे को गए, उन्हें दूर से ही हाथ और आंखें नजर आने लगी। उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराया, उसके बाद वो और ज्यादा आगे चले गए। मुझे वहीं खड़े खड़े सुनाई दे रहा था। मेरे पापा ने उस आदमी से पूछा कि आप यहां पर क्या क्या बनाते हैं। उसके बाद उस आदमी ने कहा, यहां पर सब कुछ मिलता है, चिकन से लेकर मटन तक और हाथ से लेकर टांग तक। इतना कहने के बाद पिताजी बहुत ज्यादा मुस्कुराना शुरू हो गए। पिताजी ने कहा, अच्छा तो तुम इंसानों को भी बनाते हो, तो उन्हें मारते कैसे हो? इसके बाद वो आदमी कहने लगा, हम किसी को मारकर उसके शरीर के हिस्से नहीं टांगते, यहां पर जो भी लोग हैं ये सब उनके शरीर के हिस्से हैं। तभी मेरा ध्यान भी उन लोगों पर पड़ा। किसी का हाथ नहीं था तो किसी के देखने पर आंख नहीं थी, किसी की टांग नहीं थी तो किसी का शरीर बिल्कुल फटा हुआ था। पापा बहुत ज्यादा डर चुके थे और उनकी जैसे चीख निकल गई। पापा भागकर मेरी तरफ आने लगे और मुझे कहने लगे, जल्दी चलो यहां से, यहां से जल्दी निकलो। लेकिन हमने देखा वो लोग घिसट घिसट कर हमारी तरफ आना शुरू हो चुके थे।
जिनकी टांगे नहीं थी वो घिसट कर आ रहे थे, जिनके हाथ नहीं थे वो बहुत धीरे धीरे चलकर आ रहे थे। हमने देखा कई लोगों के चेहरे जैसे कटे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई एक्सीडेंट हुआ हो। माँ को भागने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि उनकी दोनों टांगों का ऑपरेशन हो चुका था। वो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही थी। मैं जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ गया और मैंने चारों खिड़कियां खोल दी। पापा एक साइड आकर बैठ गए जबकि मम्मी पीछे जाकर बैठ गई। तभी हमने सभी खिड़कियां अंदर से बंद कर ली और मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा। उस दिन सच में हमें बहुत खराब किस्मत का सामना करना पड़ा। गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बार बार सेल्फ लगा रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमने देखा वो धीरे धीरे घिसट कर गाड़ी के बहुत पास आ चुके थे। उन्होंने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और हम भी डरे हुए वहाँ सिमटे हुए थे। मैं बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो बार बार खिड़कियों पर हाथ मार रहे थे। वो आदमी जो वहाँ पर टिक्के लगा रहा था वो भी एक साइड को आ गया और बार बार हाथ से थपथपाने लगा। तभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर ही लिया। काफ़ी कोशिशों के बाद मैं वहाँ से जल्दी से निकलना चाहता था लेकिन वो आदमी बार बार ये बोल रहा था, भाई साहब कुछ खाकर नहीं जाओगे? ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे। वो बार बार ऊंची आवाज़ में यही कहता जा रहा था। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरे दिमाग में वो शरीर के हिस्से घूम रहे थे और ये लोग भी ऐसे लग रहे थे जैसे प्रेत हों। मुझे पहले ये दिमाग में नहीं आया लेकिन सच में गाड़ी के आगे वो जिस तरह से चढ़े हुए थे वो साधारण इंसान नहीं लग रहे थे। तभी मैंने गाड़ी को तेज़ी से भगा लिया। ऊपर जो चढ़े हुए थे वो एक साइड गिरे नहीं, जैसे हवा में गायब हो गए हों। मैं गाड़ी को तेज़ी से चलाता रहा और हम तीनों की हिम्मत तक नहीं हुई पीछे देखने की। मैं गाड़ी सीधा भगाता हुआ वहाँ से निकाल लाया। मैं गाड़ी सीधा घर नहीं लेकर गया बल्कि आगे जाकर एक पुलिस स्टेशन था, मैंने गाड़ी सीधा वहाँ जाकर रुकी। वहाँ जाकर मैंने सब कुछ बता दिया लेकिन पुलिस वाले भी बहुत चक्के थे। कई पुलिस वाले इस पर यकीन नहीं कर रहे थे और कई पुलिस वाले ये कह रहे थे कि इस समय वहाँ पर जाना खतरनाक हो सकता है, कुछ ही समय तो बचा है दिन होने में, तभी वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर कोई सुराग तो मिलेगा। हम उस रात वहीं पर रुक गए और सुबह 6 बजे ही हम उस ढाबे की तरफ निकल पड़े। हमारे साथ कई पुलिस वाले थे लेकिन फिर भी हम डरे हुए थे। हमने बिल्कुल वही जगह बताई जहां पर रात को हमारे साथ ये दुर्घटना हुई थी, लेकिन वहां पर बिल्कुल सपाट मैदान था, ना किसी के पैरों के निशान और ना ही वहां पर ढाबे का कोई एक फट्टा तक पड़ा था। वहां पर राख के भी कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे जो रात को हमारे साथ खटा वो ये जगह हो ही ना। लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद हमें कुछ नहीं मिला और हमें वहाँ से बाहर आना ही पड़ा। लेकिन वहाँ पर लोगों से बात करने के बाद पुलिस वालों को भी ये पता चला कि ये जगह भूतिया कहलाई जाती है। कहते हैं यहाँ पर किसी समय ढाबा हुआ करता था और यहाँ पर कई लोगों का कत्ल हो चुका है। कहते हैं यहाँ पर तब से ही भूत प्रेत नजर आते हैं और जो भी रात के समय इस ढाबे पर रुकता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। हम खुशकिस्मत थे कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। उसके बाद हमने मन में ये ठान लिया कि रात के वक्त हम ऐसी सुनसान जगह पर कभी नहीं रुकेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं पिछले 5 साल से दिल्ली की एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे की होती है और आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ ये मेरे साथ पिछले साल घटी थी। ये बात सर्दियों की होगी और यहाँ पर काफ़ी धुंध पड़ रही थी। शाम के 7 बजे यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो जाता है और धुंध में घर आने में काफ़ी परेशानी होती है।
इतनी ठंड में बाहर निकलना भी बेहद परेशानी भरा होता है और शाम के 7 बजे मैं ऑटो के रास्ते अपनी कॉलोनी तक पहुंच जाता, लेकिन वहां से घर तक पहुंचने में मुझे 5 से 10 मिनट का समय लग जाता। मैं अकेला ही वहां पर चलकर घर की तरफ आता हूं और यहां पर ज़्यादा लोग नहीं मिलते। धुंध में वैसे भी लोग यहाँ कम ही निकलते हैं, रोशनी में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन एक ठंड हो और दूसरी धुंध तो लोग बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इस बार भी दिसंबर का महीना था और धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी। शाम को लगभग 7 बजे मैं तो फ्री हो गया था, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे थोड़ा सा काम दे दिया और मुझे वो भी पूरा करना ही था। लगभग ऑफिस में कोई नहीं था और सिर्फ एक सफाई वाला ही बचा था। मुझे भी उसके साथ ही यहाँ ऑफिस को बंद करके जाना था। लगभग 8 बजे मैंने सारा काम खत्म कर ही लिया और उसके बाद मुझे घर को निकलना था। मैंने एक ऑटो पकड़ा और मैं अपनी कॉलोनी तक पहुँचाया। यहाँ काफ़ी धुंध हो चुकी थी, मुझे आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था। स्ट्रीट लाइट भी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन वो भी जैसे धुंध को चीर नहीं पा रही थी। इतनी धुंध होती है दिल्ली में। मैं धीरे धीरे चलकर अपने घर की तरफ आ रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में संजीव मिल गया। संजीव मेरा एक कज़न है जो मुझे अक्सर यहाँ पर मिल ही जाता है। वो अपने गांव से शाम के वक्त आ जाता है और मेरे घर पर 2-3 दिन बिता कर जाता है, लेकिन वो हमेशा मुझे दिन के वक्त ही मिलता है। पहली बार इतने अंधेरे में वो मुझे दिख रहा था। मैंने दूर से ही आवाज़ लगा दी थी, संजीव तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को, अपने गांव से इतनी देर में आया है, चल कोई नहीं घर चल, धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है, चल जल्दी से चल। उसने कुछ बोला नहीं और वो मेरे साथ चलने लगा। थोड़ी दूर तक धीरे धीरे चलते चलते मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ज़्यादातर बातों का जवाब सिर्फ सिर हिलाकर ही दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो। वैसे भी उसे गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वो मुझसे बार बार पैसे मांगा करता था क्योंकि उसे घर से बिल्कुल पैसे नहीं मिलते थे। मैं भी उसकी थोड़ी सी मदद कर ही देता था, लेकिन आज वो ज़्यादा परेशान लग रहा था। उसके मुँह से मैंने कोई शब्द नहीं सुना। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा तो मुझे थोड़ी सी परेशानी होना शुरू हो गई। मैं उसको एक जगह रोककर पूछने लगा, आखिर आज तुझे हुआ क्या है, तुझे कुछ तो बोलना होगा। वो वहाँ पर रुककर मेरी तरफ देखने लगा और उसकी आंखों से जैसे आंसू आ गए। मैं उससे पूछना चाहता था आखिर उसे किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो इतनी रात को यहाँ क्यों आया है। मैंने फिर से उससे 2-3 सवाल पूछे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे गले से लगा लिया। मैं अब थोड़ा सा घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में फंस गया है। इससे पहले मैंने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि चल घर को चल, मुझे लगता है तू किसी परेशानी में फंस गया है। तब भी उसने कुछ भी नहीं कहा और वो मेरे साथ चलने लगा। मैं घर पहुंचकर अपने कमरे को खोलने लगा और मैंने देखा वो पीछे से कहीं चला गया। मैंने वहां काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन संजीव मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। काफ़ी दूर तक मैं चलकर गया। मैंने उसे ढूंढने की काफ़ी देर तक कोशिश की, वो मुझे दिखा नहीं। तब मैंने सोचा शायद वो आसपास गया होगा और थोड़ी देर में मेरे पास आ ही जाएगा। वैसे भी मैं फ़ोन करके उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता जा रहा था। मैं थोड़ा सा घबराना शुरू हो गया था क्योंकि मैं कमरे के अंदर आकर भी उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो आया नहीं। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता ही रहा, लेकिन उसके बाद मुझे एक कॉल आई। ये अंकल की कॉल थी और वो गांव से मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने सीधा फ़ोन पर यही कहा, संजीव पता नहीं कहाँ है, मेरे पास आया तो था लेकिन अंदर नहीं आया। उसके बाद अंकल ने काफ़ी देर तक कुछ कहा नहीं। मुझे अंकल के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। संजीव भी रो रहा था, अंकल भी रो रहे हैं, लगता है कोई बड़ी परेशानी हो गई है। लेकिन उसके बाद अंकल ने मुझे जो कहा उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। अंकल ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है
संजीव की अभी अभी मौत हो चुकी है। उसका एक्सीडेंट हुआ, हम भागकर उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसे बचाया नहीं जा सका। इस बात को सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैंने उनसे फिर से कहा, देखिए संजीव अभी अभी मुझे मिला था, धुंध में वो मेरे घर आया हुआ था, लेकिन पता नहीं वो कमरे के अंदर नहीं आया, बाहर से कहीं चला गया। अंकल काफी देर तक चुप रहे और उसके बाद फिर से रोने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है राजीव भी ऐसा ही कह रहा था, अभी अभी उसकी भी कॉल आई थी, वो कह रहा था कि संजीव उसके पास आया था, वो उसे गले लगाकर रो रहा था। तभी मैंने कहा, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, वो मुझे गले लगाकर रो रहा था, लगता है कोई परेशानी हुई थी। क्या सच में उसका एक्सीडेंट हो चुका है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अंकल ने मुझे दिलासा दिया और ये कहा, तुम्हें कल यहां आना होगा। अगले दिन मैं वहां गया। सच में संजीव की मौत हो चुकी थी और उसकी लाश को देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका था। कल मेरे सामने संजीव मुझे मिलने आया था, लेकिन उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी। अगर संजीव की मौत हो चुकी थी तो जो मुझसे मिलने आया था वो कौन था? क्या सच में वो संजीव की आत्मा थी? अब भी मैं लगभग अंधेरे में घर आता ही रहता हूँ और आसपास देखता ही रहता हूँ। मुझे दूर कहीं सच में संजीव दिखने का भ्रम सा होता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं आता, जैसे धुंध में वो गायब सा हो जाता है। उसके बाद धुंध भी छटी और गर्मियां भी आईं। उसके बाद मुझे ऐसा भ्रम कभी नहीं हुआ। आज भी मैं उस घटना को याद करके बहुत डर सा जाता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे संजीव की याद आना शुरू हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं अपना नाम किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बात 2 साल पहले की है। उस समय मैं 10वीं में पढ़ रहा था। मैं उस समय अपने बुआ जी के गांव गया हुआ था और वहां मैं हमेशा साल में 2 से लेकर 3 बार जरूर जाया करता था। लेकिन इस बार मेरा मन बुआ जी के जाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ सर्कस लगी हुई थी, लेकिन मम्मी ने मुझे वहाँ पर जाने नहीं दिया था और मुझे बुआ के यहाँ भेज दिया था। मुझे इस बात का गुस्सा था क्योंकि मैं वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर सकता था, लेकिन बुआ जी के यहाँ तो काफ़ी कुछ वैसा का वैसा ही था। मैं हमेशा यहाँ पर आया करता था, गाँव में घूमा करता था, लेकिन जो मज़ा वहाँ सर्कस में आने वाला था, यहाँ बुआ जी के बिल्कुल नहीं आने वाला था। शायद यही कारण था कि मैं लगभग 2 दिनों तक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। यहाँ पर मैं जो भी कर रहा था वो गुस्से में ही कर रहा था। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में घूमने के लिए जाता और इस बार मुझे मेरे दोस्त एक नई जगह पर ले जाना चाहते थे। पास के ही गांव में एक खंडहर घर था जिसे भूतिया घर कहा जाता था। मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता था, लेकिन कोई मुझे वहाँ पर लेकर जाता ही नहीं था। लेकिन इस बार शायद गांव के बच्चों में भी हिम्मत आ गई थी और वो कह रहे थे कि वो मुझे वहां पर लेकर जाएंगे। कहते हैं कि वहां पर भूत रहते हैं और वो थोड़ा सा एहसास हमें ज़रूर देते हैं। मैं इस बार खुश था, कुछ एडवेंचर तो करने को मिलेगा। यही कारण था कि हम शाम के लगभग 6 बजे उस घर की तरफ निकल पड़े। मैंने पापा को एक बहाना लगा दिया जिस कारण वो मुझे ढूंढने के लिए भी नहीं आते। मैं बड़ी ही आसानी से वहाँ पर 1 से 2 घंटे घूम सकता था। उस घर में हम रात के वक्त बहुत सारी शरारतें कर सकते थे या गांव वालों को डरा भी सकते थे। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसी कारण हम शाम के वक्त वहाँ पर निकले। मैं उस खंडहर घर को बाहर खड़े देखे जा रहा था और मेरे दोस्त ये बता रहे थे कि यहाँ से रात को आवाज़ें आती हैं, 7 बजे के करीब यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और हमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ें सुनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं उनको कह रहा था कि हमें आवाज़ें बाहर खड़े होकर नहीं सुननी है, हमें अंदर जाकर सुननी है। तो मैं अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसके बाहर एक गेट लगा हुआ था जिस पर ताला था।
उस ताले को बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ था। मैंने अपनी दोस्तों से कहा कि मैं ईंट मारकर उस ताले को तोड़ सकता हूँ। मैं ऐसे ताले पहले भी तोड़ चुका हूँ, क्योंकि हमारे गांव के पुराने मकान में ऐसे ही ताले लगे हुए थे जिसे मैंने ईंट मारकर तोड़ ही दिया था। इस ताले को भी मैं बड़ी ही आसानी से तोड़ सकता हूँ। लेकिन मेरे वो दोस्त बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ईंट का टुकड़ा उठा ही लिया। मैंने 2-3 बारी में ही उस ताले को तोड़ दिया और अब हम बड़ी ही आसानी से उस बड़े से गेट को खोलकर उस घर के अंदर जा सकते थे। सबसे पहले मैं ही अंदर गया। वहाँ 7 से 7:15 तक हो गए और मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं उस घर के काफ़ी अंदर तक था और मैं अंदर जाकर बाहर आ चुका था। कोई भी मेरे साथ अंदर आने को पहले नहीं मान रहा था, लेकिन मैं जब बाहर आया वो भी अंदर आने को मान गए। इसके बाद हम एक एक कमरे के अंदर जा रहे थे। वहाँ पर पुराना सामान पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उस घर के अंदर कोई नहीं गया था। हमें काफ़ी देर तक कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और अब मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था। इस टूटे हुए घर को देखने के लिए लगभग हम 1.5 किलोमीटर तक चले थे। हमारे गांव से ये घर इतना ज़्यादा दूर था और यहाँ आकर भी कोई एहसास नहीं हो रहा था। इस बात का गुस्सा मेरे मन के अंदर था। मैं अब आवाज़ें लगा रहा था कि है भूत, कहाँ है, सामने आ। और इस आवाज़ों को सुनकर मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे भूत का एहसास हो। मैं भी देखना चाहता था कैसा दिखता है भूत। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा था। मुझे भूत से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे इसी तरह से हिम्मत वाला बनाया था। आज मैं आवाज़ें लगाता रहा, फिर भी कहीं से एक पत्ता तक नहीं हिला। हम हर कमरे में गए। वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी जिसमें बहुत सारी किताबें थी। उन किताबों पर बहुत ज़्यादा कीड़े चढ़े हुए थे और जैसे कीड़ों ने उन किताबों को खा लिया था। फिर भी वहाँ पर हमें कोई एहसास नहीं हुआ और मेरे दोस्त कहने लगे थे कि अब 8 बजने के करीब हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं रहता। तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं भूतों को गालियाँ निकालने लगा। मैं उस घर पर गालियाँ निकाल रहा था और ये कह रहा था कि यहाँ पर तो डरपोक भूत रहते हैं, सामने भी नहीं आते, पता नहीं क्या करते रहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम गेट की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही हम गेट के पास पहुँचे तो मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई। मुझे जैसे चक्कर आने लगे थे और गेट के पास आते ही मैं जैसे बेहोश हो गया। मुझे बिल्कुल होश नहीं रही। जब अगले दिन मुझे होश आया तो मैं गांव की एक छोटी सी डिस्पेंसरी में था। मैं खुद हैरान था कि मैं यहां पर कैसे पहुंचा। मैं तो उस भूतिया घर के पास था। मैंने सामने देखा, मेरे पापा वहां बैठे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और वो मुझसे बात किए जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि वो इस तरह से डरे क्यों हुए हैं, क्योंकि डरना तो मुझे चाहिए। पापा को शायद पता लग गया होगा कि मैं उस भूतिया घर में गया हूँ। उसके बाद मैंने आसपास देखा तो मेरे सारे परिवार वाले आसपास बैठे हुए थे और वो मुझे घूरे जा रहे थे। उसके बाद मेरी दादी ने मुझे गले लगा लिया। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। उसके बाद जैसे ही मेरी नज़र मेरे हाथों की तरफ गई तो वो काफ़ी सूख चुके थे। मेरे नाखून जैसे काले हो चुके थे और मेरी कलाई पर एक काले रंग का धागा बांधा हुआ था। उसके बाद तो मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। मैं पापा से पूछना चाहता था आखिर क्या हुआ, इस तरह से मेरी सेहत इतनी ज़्यादा खराब कैसे हो गई, मेरा जैसे बहुत सारा वज़न कम हो गया हो। उसके बाद पापा ने पूरा किस्सा बताना शुरू कर दिया। पापा ने बताया कि उस घर पर भूत प्रेत का साया था, वैसे वहाँ पर काफ़ी आवाज़ें आया करती थी और तुम भी जब वहाँ पर गए तो तुम्हें वो एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब तुमने उन्हें गालियां निकालना शुरू कर दी तो तुम पर प्रेतों का साया हो गया। वो काफ़ी शैतानी प्रेत थे जिन्होंने तुम पर शायद हमला कर लिया और तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर दिया। जैसे ही तुम उस गेट से बाहर गए उन्होंने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता रहा। तुम हर रोज़ अपने बेड पर चिल्लाया करते। तुम अजीब अजीब हरकतें किया करते। तुम तो बिल्कुल अजीब से बन गए थे, जैसे तुम्हारी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए।
तुम खाना पीना छोड़ चुके थे, पानी पीना छोड़ चुके थे। तब पास के गांव से हमने पापा को बुलाया और उन्होंने तुम्हारी कलाई पर यह काला धागा बांधा, तब जाकर तुम्हें होश आई है। तुम्हें पता है तुम कितने दिन पहले बेहोश हुए थे? लगभग 25 दिन पहले। 25 दिन पहले तुम उस घर में गए थे और बेहोश हुए थे। तब से तुम इसी तरह से बीमार हो और हम तुम्हें लेकर अलग अलग डिस्पेंसरी और अस्पताल में घूम रहे हैं। आज जाकर तुम्हें होश आया है। उसके बाद मैंने देखा बिल्कुल मेरे सामने वो बाबा भी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे भी एक बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर शैतानों का साया था, लेकिन इस काले धागे के बाद वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस धागे को कलाई से कभी उतारना मत। अगर ये धागा तुमने अपनी कलाई से उतारा तो वो तुम पर दोबारा हमला कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद मैंने उस धागे को उतारने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन एक बार मुझसे वो गलती हुई जब मैंने नहाते वक्त उस धागे को उतार दिया था और एक ही झटके में मैं जैसे बेहोश हो गया। उसके बाद पापा ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर आकर उस धागे को मेरी कलाई पर बांधा था। पापा ने बताया था कि तुम अंदर से बहुत ही अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की चीखें मार रही हो। तब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो मेरे अंदर से वो आवाज़ें आ रही थी। 5 अलग अलग आवाज़ें मेरे गले से आ रही थी। और उसके बाद उन्होंने इस बात को समझ लिया कि मेरी कलाई पर वो धागा नहीं है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती करके मेरी कलाई पर दोबारा धागा बांधा और उन शैतानों ने मेरे शरीर को छोड़ा। तब से लेकर अब तक मैंने उस धागे को खोलने की गलती नहीं की, और मैं जानता हूँ जिंदगी भर मैं इस धागे को उतारने की गलती नहीं करूँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं कोलकाता में रहता हूँ। आज मैं आपको अपने बचपन की एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और हम शाम के वक्त एक खंडहर घर में बहुत ज़्यादा खेला करते थे। वो खंडहर घर एक कॉलोनी के बिल्कुल बाहर की तरफ था और उसी के पास एक ग्राउंड भी पड़ती थी जिसमें हम खेलने जाया करते थे। जब भी हम वहाँ से वापस आते तो उस खंडहर घर में हम काफ़ी देर तक खेला करते थे। वहाँ पर हम आग जलाया करते और उसकी दीवार पर बैठकर ग्राउंड में देखा करते। वो दीवार काफ़ी ऊंची थी, इसीलिए वहाँ से नीचे ग्राउंड में देखना काफ़ी आसान हुआ करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर वहाँ इसी तरह से बैठकर मैच देखा करता था। लेकिन एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अब भी याद करके बेहद डर जाता हूँ। वो वक्त शाम के 7 बजे का था और मैं अपने दोस्त राजन के साथ उसी घर के ऊपर दीवार पर बैठा हुआ था। धीरे धीरे हम वहाँ पर बातें किए जा रहे थे और ग्राउंड से हर कोई घर को जा चुका था। ग्राउंड बिल्कुल खाली थी। इससे पहले भी हम ग्राउंड में 9 बजे तक खेला करते थे। हम वहाँ पर कागज़ इकट्ठा करके एक तरफ आग जलाया करते। आग काफ़ी देर तक जलती रहती और हम कभी कभी आग दूर दूर तक जलाने जाया करते थे। लेकिन आज मेरे साथ सिर्फ राजन था और दूर दूर तक हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो हम इसी तरह से बातें किए जा रहे थे और देखने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से कौन कौन नज़र आता है, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन सामने वाले पेड़ के पास मुझे 2 लोग नज़र आ रहे थे। मैं राजन से बार बार पूछ रहा था कि कौन हो सकता है, लेकिन राजन मुझे कह रहा था कि उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं राजन को ये कह रहा था कि ये छोटे बच्चे लग रहे हैं, चलो उनसे जाकर पूछते हैं कि वो इस समय पेड़ के नीचे क्यों खड़े हुए हैं। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे ये छोटे कद के कोई छोटे छोटे बच्चे हों। लेकिन राजन मान नहीं रहा था क्योंकि उसे वहीं पर बैठने में मज़ा आ रहा था। लेकिन मैं उस दीवार से छलांग लगाकर उस पेड़ के पास जाना चाहता था। राजन मान नहीं रहा था तो मैं अकेले ही उस पेड़ के पास चला गया।
जैसे जैसे मैं चलता हुआ उस पेड़ के पास जा रहा था तो मुझे उन लोगों की पहचान बिल्कुल नहीं हो रही थी। वो कोई छोटे बच्चे नहीं बल्कि बड़े आदमी थे कि उनका कद 3 से 4 फीट होगा। मैं जैसे जैसे उस पेड़ के पास जा रहा था मुझे वो लोग बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे थे। उन्होंने बेहद ही अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे जिसमें कोई बटन नहीं थे। उन्होंने जैसे बड़े से कपड़े को ओढ़ा हुआ था और वो अजीब तरह से मेरी तरफ घूरे जा रहे थे। उनकी आंखें जैसे जानवरों की तरह चमक रही थी। एक तरफ से उनकी आंखों में रोशनी पड़ रही थी और उनकी आंखें हरी हरी नजर आ रही थी। लेकिन मैं जैसे ही उस पेड़ के ज्यादा पास गया उनका चेहरा भी मुझे नजर आना शुरू हो गया। उनकी चमड़ी जैसे गली हुई थी और इसे देखकर मैं बेहद ज्यादा डर गया। मैं भागता हुआ फिर से राजन के पास पहुंच गया और राजन मुझे देखकर बेहद हैरान था। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर राजन मुझसे पूछ रहा था आखिर वहां पर हुआ क्या है। लेकिन मैं राजन को ये बता रहा था कि ये लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं बल्कि बड़े इंसान हैं, लेकिन उन्होंने कपड़े बेहद जी पहने हुए हैं और उनके चेहरे काफ़ी ख़राब हैं। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तब राजन कहने लगा कि नहीं, देख कर आते हैं। मेरे मन में बेहद डर था, मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था। लेकिन राजन शायद मुझसे ज़्यादा हिम्मत वाला था। उसने कहा तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। मैं फिर से उस दीवार पर चढ़ गया और राजन को देखने लगा। राजन अब धीरे धीरे चलता हुआ उस पेड़ के पास पहुँच रहा था और वो आदमी भी मुझे नजर आ रहे थे। लेकिन राजन जैसे ही उस पेड़ के पास पहुँचा उसने इशारा किया, यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं यहीं खड़ा ये देख रहा था कि वो दो लोग वहीं पर थे, लेकिन राजन बार बार कह रहा था कि उसे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन तब मैंने देखा कि वो लोग जैसे राजन को पकड़ रहे थे। वो राजन को पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे और राजन भी बेहोश होकर जैसे नीचे गिर चुका था। मैं काफ़ी घबरा चुका था और राजन को बचाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन मेरे मन में यह डर था कि क्या मैं राजन की मदद कर पाऊंगा और वो क्या थे जो हमें इस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मैं भागता हुआ राजन के पास गया और मैंने देखा वो छोटे कद के इंसान राजन की छाती पर चढ़कर बैठे हुए थे और राजन सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहा था। वो बार बार हाथ हिलाकर मुझे इशारे कर रहा था और मैं भी अब ऊंची आवाज में चीखे मारने लगा था कि बचाओ बचाओ हमें, यहां पर कोई है। इसके बाद दूर से भागते हुए हमने दोस्तों को देखा। वो 4 से 5 लड़के थे जो हमारी तरफ भागे आ रहे थे। मैंने उन्हें कहा ये देखो ये कैसे राजन की छाती पर चढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद सब हैरानी से मेरी तरफ देखे जा रहे थे और सब ये कह रहे थे यहां तो कोई नहीं है, किसकी बात कर रहे हो, लगता है राजन को चक्कर आ गए हैं। लेकिन राजन नीचे बैठा जैसे चीखे मार रहा था। उसके बाद सब ने राजन को उठाने की कोशिश की, लेकिन सच में राजन का वजन बेहद ज्यादा पड़ चुका था। वो दो लोग राजन के ऊपर बैठे हुए थे और राजन बिल्कुल हिलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं दूर खड़ा ये कहे जा रहा था वो छाती पर बैठे हैं, उन्हें पहले हटाओ, वो कौन है, वो क्या है, उन्हें हटाओ। लेकिन कोई भी मेरी बात मान नहीं रहा था। किसी तरह से उन्होंने घसीट कर राजन को एक तरफ किया, उसके बाद वो उठाकर राजन को भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे राजन को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैं जान गया था वो छोटे कद के इंसान उसकी छाती पर बैठे उसका दम घोंटने की कोशिश कर रहे थे। मेरे दोस्त जैसे ही राजन को लेकर एक तरफ गए मैंने उनसे कहा जल्दी से इसे लेकर यहां से दूर हो जाओ, ग्राउंड से बाहर निकलो। हम सब राजन को उठाकर एक तरफ ले गए और वहां पर राजन को सांस आना शुरू हो गई। वो जैसे होश में आना शुरू हो गया था और उसने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला घोंटने की कोशिश की, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी छाती पर कोई बैठा हुआ था। उसे बहुत ज्यादा सांस चढ़ी हुई थी और वो खुद कह रहा था कि मुझे यहां से ले चलो, मैं यहां रुकना नहीं चाहता। मैं पीछे मुड़कर देख रहा था, उसी पेड़ के पास वो दो छोटे कद के इंसान इसी तरह से खड़े थे और उनकी आंखें जानवरों की तरह चमक रही थी।
हम सब वहां से भाग निकले और मैंने इस बात को सबको बता दिया और वहां पर ये बात फैल गई कि उस ग्राउंड के आसपास कोई ऐसी शक्ति मौजूद है। मैं उसके बाद उस ग्राउंड में कभी खेलने नहीं गया और आज भी मुझे लगता है कि वहां पर वो छोटे कद के इंसान या शैतान रहते हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या थे। मैं कई जगह ढूंढता रहा लेकिन मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो छोटे कद के थे क्या। उसके बाद हम उस ग्राउंड में खेलने कभी नहीं गए और उस टूटे हुए घर के पास बच्चों ने भी जाना बंद कर दिया।